मेनका गांधी की गोद लिए सुल्तानपुर जिला अस्पताल की ये भयावह तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। दो लावारिस मरीज जी रहे हैं नारकीय जीवन। कूल्हे की टूटी दोनों हड्डियों में महंगे इलाज की है जरूरत। दूसरे लावारिस मरीज के पेशाब की थैली भरी वार्ड में फैल रहा है पेशाब। स्टाफ की लापरवाही के चलते स्थिति बद से बदतर है। वार्ड में पड़े इन दो लावारिस मरीजों को देखिए जो जिला अस्पताल में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। CMS SC कौशिक ने बताया कि स्टाफ को बेहतर इलाज करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अमेठी में जायस की तरफ से जा रहे तेज रफ्तार फोर व्हीलर ने ई रिक्शा चालक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं ई रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हो गया। नया ई रिक्शा लेकर आ रहा था रिक्शा चालक, जिसे स्थानीय लोगों ने मदद से भेजा है अस्पताल। जायस कोतवाली के अंतर्गत नेटी सर्विस के पास की ये घटना है। अमेठी के जायस नगर चौधराना मोहल्ले में संपन्न हुआ श्री राम विवाह का कार्यक्रम। पूरे रस्म रिवाज के साथ मनाया गया भगवान श्री राम का विवाह कार्यक्रम। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा मोहल्ला चौधराना रामलीला मैदान से जायस बस स्टैंड बहाबगंज सदाना चौकी होते हुए कंचाना पहुंची। राम बारात में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवगढ़ बाराती बने। ये परंपरा लगभग 50 सालों से कंचाना मोहल्ले के निवासी निभाते चले आ रहे हैं। वहीं भगवान श्री राम की बारात शोभा यात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। अमेठी के गौरीगंज नगर पालिका के सभासद रहे स्वर्गीय राजकरण यादव की स्मृति में स्थानीय सब्जी मंडी सगरा में ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पूरे परवानी व पूरे ताज के बीच ये मैच हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए जिला पंचायत सदस्य उदय राज यादव ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि वर्तमान में खेल को अच्छे कैरियर के रूप में भी देखा जा सकता है। अयोध्या में अधेड़ को तड़पता छोड़कर पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित फरार हुए सारे नेता। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अवधेश प्रसाद की स्कॉर्पियो से कुचलकर उद्यान के माली की मौत हो गई। गुलाबबाड़ी के अंदर चल रहे एक अखबार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित सभी राजनीतिक दल के स्थानीय नेता। गाड़ी बैक करते समय गुलाबबाड़ी के माली की मौत हो गई। ड्राइवर गाड़ी को कर रहा था बैक, वाहन की चपेट में माली आ गया। दुर्घटना के बाद मंत्री जी ने गाड़ी पर से निकलवाया पार्टी का पोस्टर व झंडा। स्थानीय लोगों के कहने पर भी नहीं लेकर गए घायल को अस्पताल। अमेठी में ABSA कार्यालय बहादुरपुर से स्वीप बाइक कार्यक्रम के तहत निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, जिसमें टीचर द्वारा बाइक से रैली को मलिक मोहम्मद जायसी विद्यालय तक घुमाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महावीर प्रसाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बहादुरपुर के द्वारा गाड़ियों पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार भी किया गया। अमेठी जिलाधिकारी ने तहसील तिलोई का औचक निरीक्षण किया। निर्वाचन कार्यों की फील्डिंग में हीलावाली पर नाराजगी जताई। तहसील में जिलाधिकारी को देखकर मातहतों के पैरों तले जमीन खिसक गई। DM ने मातहतों को फटकार लगाते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया। अमेठी के विकासखंड सिंहपुर के अंतर्गत सिमरौता धान क्रय केंद्र पर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने निरीक्षण के दौरान धान खरीद की समीक्षा करते हुए संबंधित केंद्र प्रभारी को किसानों से आपसी संबंध बनाकर अधिक से अधिक धान खरीदने के निर्देश दिए तथा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान के लिए भी बोला गया। गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अयोध्या के ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड पर वृहद लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में विभिन्न जगहों से आए हुए श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में दर्शन करके लंगर का प्रसाद प्राप्त किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्मकुंड स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य महंत बलजीत सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम होता है, क्योंकि इसी दिन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व स्वर्गीय गौरव सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्तदान शिविर का उद्घाटन नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया, जिसके बाद युवाओं ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में प्राण गंवाने वाले CDS बिपिन रावत सहित अन्य लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री रणछोड़ दास जी बाबू चैरिटेबल हॉस्पिटल की सराहनीय पहल। 1 लाख
8000 मोतियाबिंद के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन कराएगी। वाराणसी में कराए जाएंगे, प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम करेगी मरीजों का ऑपरेशन। प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर संस्था द्वारा कैंप लगाकर किया जा रहा है मरीजों का टेस्ट। मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को संस्था भेजेगी वाराणसी, आने जाने के साथ रहने खाने का भी पूरा खर्च उठाएगा श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल। सुल्तानपुर सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में बोली सांसद मेनका गांधी, हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्लास के थोड़े से हुनर से या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ले सकते हैं हिस्सा। पुलिस लाइन ग्राउंड में बोली मेनका गांधी, हमें गर्व है अपने बच्चों पर। प्राथमिक और जूनियर विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभा किया, बेटियों ने दिखाया अपना दम। अमेठी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रश्मि सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। दो दिन पहले ही हाथ पैर बांधकर की गई महिला की हत्या के मामले को लेकर कहा कि आज से पहले अमेठी में नहीं हुई ऐसी शर्मनाक घटना। एसओ को फटकार लगाई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में चलाया गया कांग्रेस का सदस्यता शिविर। सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वरुण मिश्रा ने बताया कि प्रियंका गांधी के महिलाओं के घोषणा पत्र से प्रभावित होकर सैकड़ों महिलाओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नारी शक्ति ही उत्तर प्रदेश में प्रदेश का परिवर्तन का वाहक बनेगी। इस अवसर पर महिलाओं में प्रियंका गांधी का प्रतिज्ञा पत्र भी बांटा गया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज